ये पड़ा जितेंद्र, यहीं से चख लें। और हमें थोड़ा ना बजट वाला सोफा चाहिए। जितेंद्र क्या खाओगे? कोल्ले चूड़ियां। आज ये गया, मैं कह रही हूँ आज ये गया, इतना टाइम हो गया ना, ये नहीं बचेगा आज मेरे से। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। और आज हम रेडी हैं क्योंकि है वीकेंड और हमारे पास जितने भी काम होते हैं, यहाँ वहाँ गिर रही हूँ मैं, हमारे पास जितने भी काम होते हैं वो सारे हमने वीकेंड के लिए इकट्ठे कर रखे होते हैं, तो बस वही करने के लिए बाहर जा रहे हैं। और उसके अलावा अभी हमने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है। जितेंद्र मेरे साइड में अभी तैयार हो रहे हैं और मेरे को कहते हैं कि यार तू तैयार होने में टाइम लेती है। Obviously, मैं कब से तैयार से बैठी है तू नीचे और सुर्खी बिंदी कर रही है। तो अभी धूप बहुत तेज है यार, मैंने ना अब मेरे को गर्मी लगने लगी है जितेंद्र। पहले मैंने इसके ऊपर डेनिम जैकेट पहनी तो मेरे को बहुत ठंड लग रही थी और वो ठंडी लग रही थी बहुत मेरे को। फिर मेरे को लगा कि नहीं यार ये ऐसा कुछ पहनती हूँ, अब ये पहन लिया तो अब मेरे को गर्मी लग रही हो। अभी तो बाहर निकली भी नहीं हूँ, इतनी तेज की धूप है, डेनिम जैकेट साथ में रख लेती हूँ। पर चलो हम निकलते हैं। अभी हमारे साथ हो चुका है यहाँ पे कलोल। ओ भाई इधर भी और इधर भी, इधर तो बहुत ट्रैफिक हो रही है आजकल। और हमारे साथ इसलिए हो चुका है क्योंकि अंदर तो लग रही थी ठंड, ये इतना गरम गरम अब पहन लिया है। और जितेंद्र का तो हाल ही खराब होने वाला, बाहर जस्ट निकलते ही लोग यार मतलब बिना स्वेटर्स के घूम रहे हैं और हमने कैसे सोच लिया कि हम ये पहनेंगे। और कभी भी ऐसा होता है ना, फिर आपने कुछ ऐसा पहन लिया होता है कि आप फिर खोल भी नहीं सकते। पर मैं तो अपनी डेनिम जैकेट लाई हूँ साथ में। अच्छी रही वो जैकेट है क्योंकि अपर में ना ज्यादा गर्मी लगती है। जितेंद्र को देखना इचिंग होने लगी है। ये पड़ा जितेंद्र, यहीं से चख लें। क्या कहते हो? सही कह रहे हो। सोफा ही तो चाहिए वैसे भी। हाँ मैं बता दूं आपको पहले कि हम अभी लेने जा रहे हैं सोफा। हमने पहले कभी शुरू करी थी इसकी शॉपिंग कि हमें सोफा चाहिए, मतलब हमें खुद के लिए नहीं चाहिए किसी और के लिए चाहिए, पर हम जा रहे हैं लेने के लिए तो सबसे पहला काम वही होगा। लास्ट टाइम भी जब हम गए थे तो कुछ समझ सा नहीं आया था, थोड़ा लेट से टाइम पे गए थे, तो आज तो बस ऐसे है कि फाइनल करके लेके दे के आना है, ऐसा कुछ है। यस। तो हमें एक सोफा तो यहाँ पे मिल गया। मैं जितेंद्र को कह रही हूँ यही चख लो। और हमें थोड़ा ना बजट वाला सोफा चाहिए, और जब ये बजट वाली चीज ऐड हो जाती है ना फिर ऐसा हो जाता है कि फिर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, अदरवाइज तो जेरा मर्जी चख लो फिर। और हम ना यहाँ फंस गए हैं ट्रैफिक में, ये जस्ट हमारे घर के सामने है, यहाँ पे कुछ काम चल रहा है रोड पे, तो बस ये थोड़े से एरिया में रहती है, पर अपना इधर गया आधा के घंटा। सोफा तो हमने ले लिया है, अब आ जाएगा, भिजवा देंगे ये इसको और हम चलते हैं आगे अपने दूसरे काम के लिए। वो बताती हूँ, पहले यहाँ से फाइनल कर लेते हैं। ये सही है नेट का, जहाँ कार खड़ी है वही नेटवर्क आता है। ये तो हमने काम कर दिया, अभी बड़ा ऐसे सोखा सा हो गया जितेंद्र कहते हैं, पर ठीक है जितना अपना बजट था हमें उतने में ही पड़ गया। 5 सीटर जैसे सेटी वाला सेट होता है वो, और साथ में टेबल और लकड़ी का ही, तो हमें 7800 के आसपास पड़ा है, तो नोट पैड आई थिंक ठीक ही था। और अभी हम जा रहे हैं जितेंद्र का काम करवाने, इनको जाना है गाड़ी चेक करवानी है, एक बार कुछ आवाज सी आ रही है ना। हाँ तो इनको तसल्ली नहीं आएगी अभी तक। तसल्ली बेटा इसलिए नहीं आएगी क्योंकि अगर बाद में खुली ना। हाँ तो मतलब चेक करवा लेंगे, कटर कटर से करती रहती है, तो एजेंसी जा रहे हैं चेक करवाएंगे। सिर्फ ये कि भाई क्या दिक्कत है, अगर बहुत ज्यादा कुछ ऐसी दिक्कत होती काम करवाना पड़ेगा तो फिर वो बाद में करवाएंगे, आज जस्ट चेक करवाने जा रहे हैं क्योंकि हमें अभी 1-2 बजे कौन हमारा काम करेगा। बट उससे पहले यार लगी है भूख मेरे को तो बहुत ज्यादा, आज तो ऐसे वाली भूख है ना जितेंद्र कि मैं छोले कुलचे भी खा सकती हूँ जो मेरे को नहीं पसंद है। जितेंद्र को यहाँ को दिखता नहीं है जब मैं फोन माई बैड। यहाँ पे सारी ना ये फर्नीचर वाली ही दुकानें हैं। जितेंद्र क्या खाओगे? कोल्ले चूड़ियां। मिक्स पराठा। और आज आप आए हैं प्रधान वैष्णो ढाबा, फेमस प्रधान वैष्णो ढाबा। ये आपको कैसे पता? देखता सही करी पोस्टर देख लगे हुए। ओ भाई देखे नहीं ना। हाँ मैंने ये नहीं ध्यान दिया इतना कि ये कौन कौन से हैं, सारे पंजाबी जितने भी वो है ना एक्टर्स हैं वो सब हैं। नाइस देखते हैं पराठा खा के है ना।
तंदूरी पराठा जो कि मेरे को पसंद नहीं है, पर तवा पराठा है नहीं तो कोई और ऑप्शन नहीं था। सो लेट्स ट्राई। अपना आ गया मिक्स पराठा और ये क्या साथ में दाल। वाह क्या कॉम्बिनेशन है। और साथ में बटर। अटैक। जितेंद्र खुश हो गया, कह रहे परौंठा खाऊंगा परौंठा। पानी पियोगे? जितेंद्र ने मंगवाई है चाय और अप्पा मंगवाई है लस्सी नमकीन। मैं चाय पी लूं फिर? हाँ पी लूं। मेरे को राजस्थान में जाके पता नहीं वो लोग गलत बोल रहे थे या पता नहीं, मतलब वो बाहर के ही थे, उधर के तो नहीं थे, इसको बोलते थे छाछ और उसको बोलते थे लस्सी मीठी वाली को। ये क्या मतलब हुआ? मेरे को लस्सी तो लस्सी है, बस उसके साथ मीठा नमकीन लगा दो, है ना। पतझड़ शुरू हो गया, मस्त लग रही है सड़कें, है ना। जब पत्ते गिरते हैं तो भी बहुत अच्छा सा मौसम लगता है और जब पत्ते आते हैं तो भी मस्त है। जब नहीं आते ना तब तो बहुत ही सुंदर होते हैं। मोहाली चंडीगढ़ में तो ऐसा होता है ना कि पेड़ बहुत ज्यादा है, बहुत ही सुंदर लगते हैं। मैंने ना अभी मतलब एक नई टाइप की मैंने एक प्रॉब्लम करी है अभी क्रिएट। पहले तक तो ऐसे होता था कैमरा ही ऑन नहीं करते थे, चार्जर ऑन नहीं करते थे। आज मैंने कैमरे फोन का फ्रंट कैमरा ऑन किया था और शूट बैक कैमरे से कर रही थी तो सारा फ्रंट का शूट हो गया मेरा बोला। सुस्ती पड़ी हुई है ना। वही मैं अभी और मैं कह भी वही रही थी उस वीडियो में कि मेरे को बहुत नींद आ रही है, शायद ये धूप देख के आ रही है कि मन कर रहा है ऐसे मैं जाके धूप में सो जाऊं। और कहा यहाँ धक्के खा रहे हैं तो यही होना है फिर। ओ जतेंद्र पीछे देख रहा था मैं उसको, ऊपर ऊपर चढ़ाए जा रहे हैं लोग, गाड़ी पे गाड़ी आए हैं और उन लोगों में आप भी हो। अपनी अपनी लाइन में नहीं चलते ना फिर। और आप हमेशा सही चलते हैं ना, दूसरे का हक मारने के चक्कर में रहते हैं, चढ़ी जा रहे हैं, गाड़ी इसके ऊपर चढ़ा के लगाई हुई है। एक चक्कर लगाया अभी, आवाज ही नहीं आई क्योंकि यहाँ पे 60 से ऊपर भगा नहीं सकते गाड़ी, तो लगे हुए हैं कैमरे। अभी एक जगह खाली है, देखते हैं वहाँ पे, कहते हैं एक बारी यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि इनको कोई काम तो नहीं है, अगर नहीं कोई अर्जेंट यहाँ पे काम होता तो फिर वहाँ जाएंगे चेक करवाने के लिए। अपनी गाड़ी की चेकिंग हो रही है, ऐसे तो कुछ समझ नहीं आया। जितेंद्र की प्रॉब्लम किसी को समझ नहीं आ रही, मेरे को खुद नहीं आ रही। मेरे को एक बार बीच में आई खटर खटर, पर वो ऑटो की और उसकी आवाज मिक्स होगी। तां भी एक करी चेक कर लांगे कि तेल ना कोई फर्क पैंदा कि नहीं, मे भी एक यही कारण हो सकता है क्योंकि उसकी चिकनाहट जी फिर खत्म हो जाती ना, उतनी ज्यादा होती नहीं तेल। मतलब हद होती है किसी बात की, मेरे को यहाँ बिठा के खुद अंदर गए कि मैं बात करके आता हूँ और पता नहीं कब यहाँ से मेरे सामने से टेस्ट ड्राइव पे गए होंगे। वो जितेंद्र को बोला होगा कि चलो साथ में, तो कि चलो मतलब देख लो जो भी है वट एवर, तो चले गए। और मैं देख रही हूँ तब से आए नहीं आए नहीं, और मैंने कॉल करके पूछा तो कहते वो मैं टेस्ट ड्राइव पे चला गया हूँ साथ में 10 मिनट में आ रहा हूँ, और यहाँ पे मैं बैठी बैठी वेट कर रही हूँ यार। आज ही गया, मैं कह रही हूँ आज ही गया, इतना टाइम हो गया ना ये नहीं बचेगा आज मेरे से, आधा घंटा हो गया है और मैं पागल बैठी हूँ यार यहाँ पे। ना कोई फोन ना मैसेज, कोई मैसेज करके बताता यार कुछ। अभी आ रहा है बंदा, मैं बताती हूँ। तू मिलना था सो लिया? कहाँ? कुछ नहीं, वो देखने थे उसकी गाड़ी चला के दूसरी गली। बंद क्यों कर दी गाड़ी? किसकी गाड़ी? ये भाई की। कितना टाइम हो गया आपको गए हुए? क्यों आपने मैसेज भी नहीं किया, इवन बता के भी नहीं गए? मुझे लगा तूने देख ली ना यहाँ से जाते हुए। मैंने कैसे देख लिया? चलो सीधे हो जाओ तुम। मतलब मैं बोला नहीं, बंदा यार अनरिस्पॉन्सिबल। अरे वो सीट से निकल के चले, अब चले, अब टाइम देखो 5:30 हो गए, मैं पिछले आधे घंटे से बैठी हूँ ऐसे। सरकार बनेगी।
गए क्यों मेरे को ये बताओ पहले उसमें क्या था। चलो चले भी गए यार, वो नहीं थी, पर मेरे को बता के तो जाते कि यार मैं जा रहा हूँ। मैं तब से उधर ही देख रही हूँ गेट पे कि यार कब आते हैं कब आते हैं, और देखा फोन किया खुद मैंने तो पता चला। कोई नहीं यार, यहाँ क्या टेंशन है, क्या टेंशन, क्या मतलब वाए। चलो छोड़ो ना अब, चलो चलते हैं ना। मेरे को पहले ये तो बताओ भी गए क्यों थे। बेटा टेस्ट ड्राइव करने गया था कि दूसरी गाड़ी एक बार चेक कर लेते हैं कि उसमें है प्रॉब्लम ये वाली या नहीं है। फिर आई? नहीं आई। वो तो ऑब्वियस था, हमारी गाड़ी में ही नहीं थी जब पहले, तो किसी और की गाड़ी में क्यों मिलेगी। कंफर्म नहीं था ना, सारा टाइम वेस्ट। मैं कह रही हूँ कुछ नहीं हुआ उस गाड़ी का, एक मिनट में पहले सीट बेल्ट लगा लूं। कोई फायदा नहीं हुआ, मतलब यहाँ आने का भी, आवाज का कुछ नहीं निकला इसका सलूशन। बाद में कभी सर्विस होएगा तब निकलेगा, और पूरे मैं बताऊं तो 2 से 3 घंटे वेस्ट कर दिया यहाँ पे। चलो कोई नहीं, चाय पिलाते हैं आपको। बाकी जो इतने सारे हमें और काम करने हैं वो उनका तो कोई पता ही नहीं है, वो रह गए हमारी लिस्ट से। अपने घर के पास ट्रैफिक का हो रखा है ये हाल देख के हम थोड़े बौखला गए हैं। मतलब जाते हुए भी था और आते हुए भी सेम है। मतलब हम गए थे अभी थोड़ी देर के लिए अभी के पास, और वहां से हमारे घर का मुश्किल से 5 मिनट का रास्ता है, जो कि हमें तय करने के लिए कम से कम आधा पौना घंटा वेट करना पड़ेगा, है ना जितेंद्र? हाँ। बहुत ज्यादा। और हुआ क्या है, यहाँ पे बस कुछ खड्डे से खोद दिए इस साइड भी और उस साइड भी। इधर वाली ट्रैफिक पीछे रुकी हुई है और इधर वाली इधर को सारी है। बहुत बुरे हाल हैं। क्या करते हो यार तुम, ये जब हम जैसलमेर गए थे ना तब से उखाड़ रखे थे खड्डे और अभी तक नहीं भरे हैं। ऐसे तैसे हम घर पहुंच ही गए इतनी ट्रैफिक में से, और मेरे माइंड में ना एक बात थी जितेंद्र, पता क्या, उधर जब गए नहीं थे गाड़ी की ड्राइव के लिए, तो एकदम से मेरे दिमाग में आई ये चीज, जब उसने ये कहा ना कि एक गाड़ी आई थी एक्सीडेंट कुछ ऐसा हुआ था, पानी में चली गई थी सारी की सारी, कुछ ऐसा खड्डा था उसने सारी उसमें डाल दी, गाड़ी लॉक हो गई और गलती से कहता है उसका सनरूफ खुल गया उससे और वो सनरूफ से निकल गया। फिर मेरे को लगा यार ये सनरूफ सिर्फ बाहर निकल के हवा लेने के लिए नहीं है, और सनरूफ आपकी गाड़ी में होना चाहिए ना, कभी बंदा मतलब ऐसी कोई सिचुएशन में आ जाए तो आपके पास ऑप्शन नहीं, क्योंकि दरवाजे तो सबसे पहले बंद हो जाते हैं, लॉक हो जाते हैं ना। लॉक तो चलो होना होगा वो भी हो जाएगा, बट एटलीस्ट एक ऑप्शन तो है। तो खिड़की तोड़ने का ऑप्शन होता ना फिर? ओह कार तोड़, हाँ मतलब वो भी हो सकता है, बट सबसे ऊपर तो वही है ना, इनकेस जैसे पानी में चली जाती है तो आप ऊपर से निकल सकते हो। दुनिया का सबसे औखा काम है जो मेकअप लगाया होता ना उसको उतारना, और मेकअप तो चलो मैं उतना नहीं किया था, मेरे को उसकी चलो टेंशन है वो मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि अगर सीधा धो दो तो वैसे तो निकलता ही है, मतलब जैसे मेकअप रिमूवर से थोड़ा रिमूव करके वो निकल जाता है इजिली। सबसे औखा काम है और जिसकी मेरे को ना ऐसे टेंशन हो जाती है, औरों को और टेंशन है, और मेरे को किस बात की टेंशन होती है कि जो मैंने मस्कारा लगाया होता है ना उसको निकालना बहुत टफ होता है। मतलब निकल तो जाता है पर मेरे को ऐसे होता है यार मेरी आंखें ना मेरे को बाद में ऐसे काली काली से दिखने लग जाती हैं। आज तो मेरे को बेटर लग रही है, बट यहाँ से ऐसे लगता है कि गए नहीं है, जबकि होता नहीं है, ऐसे वहम हो गया है। जितेंद्र को लगी है भूख, कहते पहले मेरे को कुछ खाने को दे दो। जितेंद्र ऐसे जो भी निकलूगा ना वो थोड़ा गचक, ये वही गचक जो हमने लोहड़ी वाले दिन ली थी, अभी तक हमसे खत्म नहीं हुई है। जितेंद्र की एक वीडियो तो आ गई है, मतलब अभी तक तो 2 आ चुकी होंगी, पर ऐसे होता है बंदा वीकेंड पे फ्री होता है, बट इधर जितेंद्र को वीकेंड पे ये वाला काम शुरू हो जाता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर दबाना। तो चलो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।